नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि सेविंग अकाउंट होल्डर्स यानी बचत खाता धारकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस कब और क्यों आता है। अगर आपको इनकम टैक्स या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाता है तो आपको उसका रिप्लाई कैसे करना है, उससे आपको कैसे बचना है, यह भी हम आपको इसी वीडियो में जानकारी देंगे। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आए ही ना, तो उसके लिए आपको अपने सेविंग अकाउंट को किस तरह से मेंटेन करना है, एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए की आपको एफडी करनी है, आप यूपीआई के माध्यम से अपने सेविंग अकाउंट में कितना रिसीव कर सकते हैं, कितना सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस ही ना आए। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट को लेकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लिमिटेशंस जारी की गई हैं। अगर उन लिमिट के अंदर रह करके आप ट्रांजैक्शन करेंगे, चाहे सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट की बात हो उसकी भी लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई है, चाहे विड्रॉल की बात हो उसकी भी लिमिट तय की गई है, आप यूपीआई कितना कर सकते हैं, एक व्यक्ति कितने बचत खाते रख सकता है, आप अपने बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितने रुपए की एफडी करवा सकते हैं, ये सारी लिमिटेशंस बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ आप एक फाइनेंशियल ईयर में कितने रुपए का कैश में क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप कितने रुपए का क्रेडिट कार्ड का भुगतान एक फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं, ये सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी गई हैं। साथ ही साथ जीएसटी डिपार्टमेंट भी नजर रखे हुए है, अगर आप उनके द्वारा जो लिमिट्स जारी की गई हैं, अगर आप उन लिमिट्स को एक फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस कर जाते हैं तो आपको नोटिस मिल जाता है। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाएगा दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि आप वकील साहब के और इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे, यानी आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और अगर आप उसका सही से रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप उस ट्रांजैक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इम्पोज कर देगा, जो कि बहुत ही हैवी पेनाल्टी होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको इन परेशानियों में न पड़ना पड़े, आप इनसे बचे रहें, तो आप सभी को पता है कि आप सभी के पास एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता अवश्य है। फिर चाहे आपका सैलरी अकाउंट हो, नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो, या फिर आपका जनधन खाता हो, या आपने किसी भी पर्पज से सेविंग अकाउंट खुलवा रखा हो अपनी सेविंग को करने के लिए, इसके साथ ही साथ आज के समय में लगभग हर व्यक्ति ने छोटे बड़े अमाउंट की एफडी जरूर करा रखा है किसी न किसी बैंक में, लेकिन उसकी जो लिमिटेशंस हैं, सेविंग अकाउंट के क्या रूल्स हैं, वो आप सभी को पता होना आवश्यक है। एफडी आप कितने रुपए की एक फाइनेंशियल ईयर में करा सकते हैं, वो आपको पता होना आवश्यक है। क्योंकि अगर आप जाने अनजाने में, अगर आप गलती से भी इनकम टैक्स और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिमिट बताई गई है, अगर आप उन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो या फिर ये दोनों हो, आपको नोटिस भेज देंगे। और अगर आपके पास नोटिस आ गया, आप उसका रिप्लाई नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए, तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। दूसरी चीज दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट हो, इनके जो ऑफिसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप उन्हें कुछ भी समझा देंगे और वो मान जाएंगे, चले जाएंगे, वो नोटिस देंगे, आप उन्हें कुछ भी जवाब दे देंगे, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज का यहाँ पर क्लेरिफिकेशन करना होगा, आपको जस्टिफाई करना होगा। अगर आपसे उन्होंने पूछा है कि 10,000 रुपए आपको कहाँ से मिले हैं, तो आपको विद प्रूफ बताना होगा। ऐसा नहीं कि आप बता देंगे कि मेरे फला रिश्तेदार ने मुझे दिए थे, वो पैसे हैं मेरे पास, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको प्रूफ देना होगा, जिस पर्सन ने दिए हैं उस पर्सन के अकाउंट की डिटेल चाहिए, आपके अकाउंट की डिटेल चाहिए, उस पर्सन को पैसे कहाँ से मिले थे, उसने आपको पैसे किस पर्पज के लिए दिए थे, ये सारी जानकारियां आपको देनी होंगी, तभी आप बच पाएंगे। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बचना चाहते हैं और अगर आपको नोटिस मिल गया है, तो उसका रिप्लाई आपको कब और कैसे करना है, इसके साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। पहले यह टाइम ज्यादा था, अब यह समय घटा दिया गया है नोटिस आने का, तो आपको अधिकतम कितने दिनों में नोटिस मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो यूपीआई कर रहा हूँ, 50 लाख का कर चुका हूँ, 40 लाख का कर चुका हूँ, पिछले साल मैंने 1 करोड़ का यूपीआई कर दिया था, मुझे तो नोटिस नहीं आया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सावधान हो जाइए, ऐसा नहीं है कि आपको नोटिस आएगा नहीं, आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज आपने लिमिट को क्रॉस किया है तो आज ही आपको नोटिस मिल जाएगा, इसलिए मैं आगे आपको टाइम पीरियड भी बताने वाला हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अगले कितने सालों में नोटिस भेज सकता है और आपसे कितने सालों का रिकॉर्ड मांग सकता है। हो सकता है कि आपने वो ट्रांजैक्शन 2010 में किया हो और आपसे 2020 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस मांग ले, आपको नोटिस दे दे और आपसे जवाब मांग ले। तो कुल मिलाकर के आपको ये सभी पता होना आवश्यक है कि सेविंग अकाउंट को लेकर के या एफडी को लेकर के इनकम टैक्स और जीएसटी के द्वारा क्या लिमिट्स बताई गई हैं, वो जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, हम आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाएं इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं सेविंग अकाउंट को लेकर के, वो सभी हम आपको बारीकी से समझाएं,
ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जो लिमिट्स बताई गई हैं, उसमें जो सबसे पहली हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जो सबसे पहला पॉइंट बताने वाले हैं, वो यह है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी करा सकते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इस पूरे एक साल के बीच में आप अधिकतम कैश डिपॉजिट करके बैंक में कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं। मैं यहां पर कैश डिपॉजिट करके बात करने वाला हूं। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है उससे आप एफडी कर रहे हैं तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश डिपॉजिट करके कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं उसकी लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 10 लाख रुपए तय कर रखी है। और इसके साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह भी कह रखा है कि अगर आपकी कोई एफडी पहले से चल रही है और वो इसी फाइनेंशियल ईयर में मेच्योर हो रही है और उसको आप तोड़ करके पैसा सेविंग में ले लेते हैं और लेने के बाद उसके बाद फिर से आप उस अमाउंट की एफडी करवा देते हैं, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। कुल मिलाकर के मान लीजिए आपने 6 लाख रुपए की एफडी इस फाइनेंशियल ईयर में की है और आपकी कोई एक और एफडी चल रही है जो भी 6 लाख रुपए की है, वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में पूरी हो जाती है, आप पैसा उसको सेविंग अकाउंट में ले लेते हैं, लेने के बाद आप दोबारा से फिर से एफडी कर देते हैं, तो उसको भी यहां पर जोड़ लिया जाएगा। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी जो अमाउंट हो जाएगा वो 12 लाख रुपए हो जाएगा। उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो यहां पर आप ये कर सकते हैं कि 6 लाख रुपए की एफडी आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट करके करा चुके हैं, अब आपकी जो एफडी मेच्योर होने वाली है इसी फाइनेंशियल ईयर में, या तो आप तोड़ करके पैसा सेविंग में ले लीजिए अब इस फाइनेंशियल ईयर में, उस पैसे की या तो एफडी ना करिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस एफडी को आप आगे बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तब अगर आप अगले फाइनेंशियल ईयर में उसे आप तोड़ करके पैसा लेंगे और अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश डिपॉजिट करके एफडी नहीं करेंगे और आप 10 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करते हैं तो फिर आपको नोटिस नहीं आएगा। इसलिए आप चाहें तो अपनी एफडी को एक्सटेंड कर दें जिससे आपका अमाउंट एड नहीं होगा। अगर आप एक्सटेंड कर देंगे यानी बढ़ा देंगे, मान लीजिए इसी महीने वो 6 लाख रुपए पूरे हो रहे हैं और 6 लाख रुपए की एफडी आपने इसी फाइनेंशियल ईयर में की है, तो ये अगर आप तोड़ करके पैसा सेविंग में लेते हैं और एफडी दोबारा बनवाते हैं तो 12 लाख हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 6 लाख की एफडी करा चुके हैं और इस 6 लाख को आगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आगे बढ़ा देते हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में आपकी वो एफडी दोबारा से मेच्योर नहीं हो रही है, तो फिर वो अमाउंट यहाँ पर एड नहीं किया जाएगा यानी 6 लाख रुपए ही माने जाएंगे। तो उस दशा में आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस से बच जाएंगे। अब दोस्तों, और यहां पर एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं, यह लिमिट उन लोगों के लिए है जो लोग आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। जो लोग आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दे रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, वो ज्यादा अमाउंट की भी एफडी करा सकते हैं। जब उनसे पूछा जाएगा तो अपने आईटीआर में सारी जानकारी दे देंगे या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो भी नोटिस आएगा उसका रिप्लाई कर देंगे। चूंकि वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को स्वतः ही जानकारी दे रहे हैं कि मैं यहां से इतना पैसा कमाता हूं, मैं यहां इतना खर्च करता हूं, इतने की एफडी करता हूं, इतनी सेविंग करता हूं, ये सारी जानकारी वो आईटीआर में खुद ही दे देंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें नोटिस नहीं भेजेगा। लेकिन जो लोग नॉर्मल सिटीजन है, आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए यह लिमिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा तय की गई है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, चाहे पैसा आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स कर रहे हो या फिर आप किसी बैंक में कर रहे हो, वो चाहे प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, सभी के लिए समान रूल है और ये सभी बैंकों को जोड़ करके देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दूसरे बैंक में 2 लाख कर देंगे, किसी दूसरे बैंक में 5 लाख कर देंगे, किसी तीसरे बैंक में 8 लाख कर देंगे, इससे बैंक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा नहीं, आपका पैन नंबर एक होता है, पैन नंबर आधार से लिंक है, आधार मोबाइल नंबर से लिंक है, इसलिए अगर आप कहीं भी एफडी करते हैं तो फिर दोस्तों वो ट्रैक हो जाएगा, आपके पैन नंबर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका रिकॉर्ड निकाल लेगा और आपको नोटिस सेंड कर देगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट में मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इनकम टैक्स के द्वारा क्या गाइडलाइन है इसके लिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तय कर रखा है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 10 लाख रुपए कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और 10 लाख रुपए ही आप अधिकतम कैश विड्रॉल कर सकते हैं। ये सभी बैंकों को जोड़ करके माना जाएगा, यानी अगर आपके सेविंग अकाउंट 4 बैंकों में है, 6 बैंकों में है, 8 बैंकों में है, 10 बैंकों में है, तो सभी बैंकों से मिलाकर के अधिकतम आप 10 लाख रुपए कैश विड्रॉल कर सकते हैं और अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप ज्यादा अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं और ज्यादा अमाउंट भी विड्रॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा सभी बैंकों को जोड़ करके अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तब भी आपको नोटिस मिल सकता है और अगर आप विड्रॉल करते हैं तब भी आपको नोटिस मिल सकता है। ये सभी बैंकों को जोड़ करके देखा
जाता है। मैं जो भी लिमिट्स बता रहा हूँ ये सभी बैंकों को जोड़ करके बता रहा हूँ। आपके सेविंग अकाउंट जितने भी बैंकों में हैं उन सभी बैंकों से आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही डिपॉजिट कर सकते हैं और अधिकतम 10 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप यूपीआई के माध्यम से, क्योंकि आज के समय में यूपीआई बहुत ज्यादा चल रहा है, धड़ल्ले से लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, सरकार भी बढ़ावा दे रही है यूपीआई को, सरकार भी कह रही है कि सब कुछ डिजिटल कीजिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए, कैश का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्ट तो कोई लिमिट तय नहीं की गई है यूपीआई के लिए। इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि आप यूपीआई से एक फाइनेंशियल ईयर में कितना कैश ले सकते हैं और कितना कैश दे सकते हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इनकम टैक्स एक्ट में लिखा गया है वो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि 10 लाख रुपए से ज्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में रिसीव कर लेते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग अकाउंट में यूपीआई से पैसा ले लेते हैं, उस दशा में आपके जो सेविंग अकाउंट का ट्रांजेक्शन होगा वो 20 से 25 लाख रुपए पहुंच जाएगा। ऐसे में जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है, तो उस दशा में आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाएगा। तो इसलिए अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा की लिमिट को क्रॉस करते हैं, आपको जीएसटी डिपार्टमेंट का नोटिस मिल जाता है, उस दशा में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी नोटिस दे सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है कि जब आपकी इतनी इनकम है आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो फिर आपको नोटिस नहीं आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपने लिमिट को क्रॉस करा है, आपके ट्रांजेक्शन 20 लाख रुपए से अधिक हो चुके हैं, तो जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा, आपसे कहेगा आप जीएसटी नंबर लीजिए, तो आप वहां पर ले लीजिएगा। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस तभी भेजेगा जब आप आईटीआर फाइल नहीं कर रहे होंगे, अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजेगा। तो इसलिए इस चीज को भी आप ध्यान रखना कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज्यादा रिसीव कर लेते हैं और 10 लाख रुपए से ज्यादा आप सेंड कर देते हैं तो आपको भविष्य में नोटिस मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस कब तक भेज सकता है, यानी कितने दिनों में भेज सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसकी जो अमाउंट रखा गया है, अगर आपका ट्रांजेक्शन 50 लाख रुपए तक है तो ये नोटिस आपको अगले 3 सालों में कभी भी आ सकता है। आपने 2024 में ट्रांजेक्शन किया है, आपने लिमिट को क्रॉस करा है, उस दशा में आपको 2027 तक कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अगर आपका अमाउंट 50 लाख रुपए से अधिक का है, उस दशा में आपको नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अगले 10 सालों में कभी भी आ सकता है। पहले यह लिमिट 8 साल थी, जिसे घटा करके अब 3 साल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो कुल मिलाकर के अगले 3 सालों में आपको कभी भी नोटिस आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपने इस वर्ष ट्रांजेक्शन की लिमिट को क्रॉस किया है तो इसी वर्ष आपको नोटिस आ जाएगा। 2027 तक आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। तो इसलिए आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके पास जो भी जरूरी उसके संबंधित कागजात हैं, जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें संभाल करके रखिए अगले 3 सालों के लिए, क्योंकि भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उन्हें प्रूफ कर पाए, उन्हें आप दिखा पाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप जस्टिफाई कर पाए, अन्यथा आप बुरे फंस जाएंगे, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी के नहीं सुनेगा और आपके ऊपर 300% तक की पेनाल्टी इम्पोज करेगा। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक दिन में आप अपने सेविंग अकाउंट से अधिकतम कितने रुपए विड्रॉल कर सकते हैं और कितने रुपए डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 लाख रुपए की लिमिट निर्धारित कर रखी है। आप एक दिन में अधिकतम सभी बैंकों से जोड़ करके 2 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं और 2 लाख रुपए ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं कैश के रूप में। इससे ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉल करते हैं, उस दशा में भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि इतना ज्यादा आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं एक दिन में, तो ये पैसा आप कहाँ ले जा रहे हैं? अगर आप डिपॉजिट कर रहे हैं एक दिन में तो आप ये पैसा कहाँ से ला रहे हैं? और ये सभी बैंक अकाउंट को जोड़ करके मैं लिमिट बता रहा हूँ। अगर आपके सेविंग अकाउंट 4 बैंकों में है तो आप 4 बैंकों में मिला करके अधिकतम 2 लाख रुपए ही एक दिन में जमा कर सकते हैं और चारों बैंकों से मिला करके अधिकतम एक दिन में 2 लाख रुपए ही विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको ज्यादा अमाउंट की आवश्यकता है तो आप कई दिन में विड्रॉल कर लीजिए, लेकिन 2 लाख रुपए से ज्यादा आप ना निकालिए, अन्यथा बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ जाए। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट रख सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कहीं कोई लिमिट नहीं बताई गई है, ना ही आरबीआई के द्वारा कोई लिमिट तय की गई है, ना ही भारत सरकार के द्वारा कोई लिमिट तय की गई है। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स थे कि हम सर कितने सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं ताकि हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आरबीआई या भारत सरकार के द्वारा कोई भी लिमिट नहीं बनाई गई है। आपका काम जितने सेविंग अकाउंट से चले आप उतने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन मेरी जो सलाह है कि कम से कम 2 से 3 सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सेविंग अकाउंट होंगे उतना ज़्यादा आपको मैनेज करना पड़ेगा, उतने ज़्यादा चार्जेस भी उन सेविंग अकाउंट पर आपको पे करने होंगे। अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट निगेटिव में चला जाता है यानी डोरमेंट हो जाता है, पड़ा रहता है, तो आपकी सिविल पर भी बुरा असर डालता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितने अकाउंट आप मैनेज कर सकें उतने सेविंग अकाउंट रखें, कोई भी समस्या नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं
कि कोई व्यक्ति अपने सेविंग अकाउंट में अधिकतम कितना पैसा रख सकता है, यानी बचत खाते में अधिकतम कितना पैसा आप रख सकते हैं, ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए, आपको टैक्स ना देना पड़े। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी लिमिट नहीं तय की गई है। आप कितना भी अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, बस यहाँ पर जो मैंने लिमिट बताई है, इन लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है, ना ही आपको डे बाई डे वाली लिमिट क्रॉस करनी है, ना ही आपको फाइनेंशियल ईयर वाली लिमिट क्रॉस करनी है। इसके साथ ही आपके खाते का बैलेंस चाहे 50 लाख हो, चाहे 60 लाख हो, या 70 लाख हो। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि लाख दो लाख रुपए प्रतिवर्ष बचा करके अपने सेविंग अकाउंट में रख रहा है और पिछले 25 साल 30 साल 40 साल से रख रहा है, तो उस दशा में उसके खाते का बैलेंस 50 लाख 60 लाख 70 लाख रुपए भी हो सकता है। उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं, आपको कभी भी नोटिस नहीं आएगा, आपको कभी कोई टैक्स नहीं देना होगा। आप ITR फाइल करते हो या ना फाइल करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भी लिमिट मैंने बताई है, उन लिमिट को अगर आप क्रॉस नहीं करते हैं तो कोई समस्या नहीं है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आप अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। और इसके साथ ही अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में यानी एक साल में 10 लाख रुपए का आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन मोड के माध्यम से, तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं उनका अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश का बिल पेमेंट करते हैं तब भी आपको नोटिस मिल सकता है। और अगर आप एक पूरे साल में एक फाइनेंशियल ईयर में ऑनलाइन मोड के माध्यम से 10 लाख रुपए का आप क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे सेविंग अकाउंट को लेकर के इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट के कुछ रूल्स, जो कि मेरी समझ से आप लोगों को मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, समझ में भी आ गए होंगे। अगर आप इस तरह से अपने सेविंग अकाउंट को मेंटेन करेंगे तो कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। इसके साथ दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका ट्रांजेक्शन अमाउंट थोड़ा बढ़ गया है, आपको लगता है कि मेरे सेविंग अकाउंट में ठीक ठाक ट्रांजेक्शन होते हैं, तो उस दशा में दोस्तों आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि भविष्य में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। अगर आप ITR स्वतः ही फाइल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देते रहेंगे तो कभी कोई समस्या नहीं होगी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्वतः ही नोटिस भेजेगा तब आप भविष्य में दिक्कत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए। ITR फाइल करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप टैक्स पेयर हो जाएंगे। अगर आप टैक्स पेयर के दायरे में आएंगे तो ही आपको टैक्स देना होगा। वहीं अगर आपका कोई FD चल रही है, उसका TDS कटा है, आप ITR फाइल करेंगे तो वो उल्टा आपको खुद ही मिल जाएगा। यानी आपका जो TDS कटा है 10% या 20%, वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको खुद वापस कर देगा, तो उसका ये भी बेनिफिट हो जाता है। साथ ही अगर आपको भविष्य में कोई बड़ा लोन चाहिए तो उसके लिए भी पिछले 3 सालों का बैंक आपसे ITR मांगता है, तो वो आप दे देंगे तो आसानी से आपको लोन भी मिल जाएगा। तो इसलिए आप सभी को ITR फाइल करना चाहिए, इससे भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें DM कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, उसके लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी हम इस तरह से इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट होती हैं, जो भी जानकारियाँ होती हैं, हम साझा करते रहते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।